अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारे जो है कि हमेशा खुश रहें से और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं अली और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है KTM रॉयल इनफील्ड इन सिर्फ भाई 50,000 की है। तो देखते हैं वीडियो, करते हैं वीडियो स्टार्ट। 50,000 तो आप यूँ कह रहे हो मुझे 10 KTM चाहिए रीज भाई, 10 है क्या? वो कहेंगे है क्या, ले जाओ भाई। लक्की नंबर देखो यार, VIP नंबर है 7770। सर मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र भाई कुछ बता देते हैं, आपने यहाँ से पहले भी बाइक ली हुई है? हाँ सर, मैंने पहले यहाँ से 2018 मॉडल लिया था बुलेट रॉयल एनफील्ड। एक नंबर गाड़ी है, एक नंबर। जब भी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो चार लोग खड़े होकर देखते हैं कि भाई। जितने भी भाई देख रहे हैं आपको इस वीडियो में, तो आप जरूर रेकमेंड करोगे कि वो यहाँ पे आ सकते हैं और ले सकते हैं भाई? मैं रिकमेंडिंग मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। भाई एक और हमारे सब्सक्राइबर भाई मिले, क्या नाम है भाई आप? भाई वीरेंद्र नाम है। वीरेंद्र भाई अपने फ्रेंड के साथ आए हैं बेसिकली उस बाइक को ढूंढते हुए जो बाइक ये लेना चाहते हैं, और भाई ने मतलब फटाफट वो देखो वाली बाइक भाई लेने आए। ये वाली बाइक टेस्ट ड्राइव जा रही है, तो भाई इनको लाइक करने के लिए तो बोलो यार, आपके कहने से लाइक कर देंगे भाई। आपको इतने लाइक मिलते हैं ना, हमारे कहने की जरूरत ही ना हमारे अपने एरिया के लोगों को तो कह दो यार, हमारे सारे भाई करते हैं। KTM का सेकंड हैंड का इतना स्टॉक आपको पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं ना मिला था, ना मिलेगा, ना मिल पाएगा। हाँ, 40,000 में आप कोई भी KTM ले सकते हैं। मतलब अगर नहीं लेने जा रहे हो तो इसको कंसीडर कर लेना, पैसे हो जाएंगे सेम। कम से कम 60-70,000 रुपए आपके सेव हो जाएंगे। जी हाँ, 60-70,000 रुपए कम से कम सेव हो जाएंगे। ठीक है, बोल देंगे 2 महीने का मैकेनिकल क्रांच बचेंगे वारंटी भी। फोन भाई आ गया। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माय एंड मैरिड के ब्रांड न्यू वीडियो में। आपको भी बहुत ज्यादा पसंद है रॉयल इनफील्ड, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। आपको बहुत ज्यादा पसंद है KTM, तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। और इसीलिए आज का कॉन्सेप्ट है रॉयल इनफील्ड एंड KTM बाइक। ये आवाज जो है ना इसके अंदर नॉर्मल एग्जॉस्ट के साथ साथ ढोलकी भी मिलेगी, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। सारी बाइकें हैं, ढोलकी में चलाना होता है तो लगाते नहीं है, बट आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगाते हो भाई। एक बार वेलकम हो जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पिछली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए। और आज हम आपके लिए कॉन्सेप्ट में लाए हैं बड़ी सारी बुलेट, बड़ी सारी KTM। तो सबसे पहले एक बात बताओ, आपके यहाँ पे स्टैंडर्ड की इतनी मारामारी क्यों हो रही है? यार स्टैंडर्ड की मारामारी ऐसी है कि जो कंपनी ने उसने ये वाला जो वर्जन है वो बंद कर दिया, मतलब अगर ये डिस्कंटिन्यू कर दिया, उसमें उल्टा सेल्फ ला दिया। अच्छा, ये जो इसकी पहचान थी वो किक से थी। ओके जी। और ये पहले 4 स्पीड आती थी, फिर 5 स्पीड आई, 5 स्पीड में धीरे धीरे अपना नाम बनाया। जैसे उसने 5 स्पीड में नाम बनाया, लोगों ने ये भी बंद कर दी, कंपनी ने मतलब ये भी बंद कर दी। तो अब अगर जो स्टैंडर्ड आ रही है उसमें किक नहीं आती, उसमें किक नहीं आती, उसमें उल्टा सेल्फ आता है, मतलब बुलेट वाला कोई रोक वो जान रही नहीं, जान नहीं रही। और प्लस इंजन में भी बड़े सारे चेंजेस कर दिए, तो लोग आज भी इसी के दीवाने हैं, दीवाने हैं, और उनको यही गाड़ी चाहिए। और जब ये गाड़ी की वो आस्किंग करते हैं धीरे धीरे, मान लो कुछ टाइम पहले हम 2019 मॉडल, मतलब ज्यादा नहीं 1 साल पुरानी बात बताऊंगा, हम लोग 135,000-136,000 की बेच दिया करते थे, बेच रहे, मगर आज इससे ऊपर तो हम खरीद रहे हैं बहुत ऊपर। और आजकल हमारी जो डिमांड रहेगी 19 मॉडल की 170,000-175,000 रुपए रहेगी, अगर सामान की गाड़ी लगी। और इतनी की तो नई भी नहीं आती, नई उस टाइम 2019 में थी 158,000 की गाड़ी, मुझे पता उस टाइम थी। मगर आज हम लोग 2019 मॉडल के 175,000 मांग रहे हैं, इसलिए बनवा रहे हैं गाड़ी नहीं मिल रही। लेकिन आज वो मोटर से आप बेस्ट डील दोगे? नहीं दोगे, बिल्कुल बेस्ट डील देंगे। पहली डील ये 2014 मॉडल है, बिल्कुल 14 मॉडल, बिल्कुल लाख से नीचे नहीं हो सकता। 14 मॉडल भी लाख से नीचे, लाख से नीचे 14 मॉडल, ये 14 मॉडल गाड़ी आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1,12,000 रुपए, वो भी माय कंट्री माय राइड के सेवा से आते हैं। भाई कसम से मतलब 14 मॉडल का बहुत स्ट्रांग गाड़ी है, देख लो स्टैंडर्ड लवर्स, आपने स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा, ये भी लगा लो हमारा मार्जिन सिर्फ 4-5 14 मॉडल का मार्जिन होता, उस हिसाब से सोचो हमने भी क्या लिया होगा। सही कह रहे भाई, जब कोई चीज डिस्कंटिन्यू हो जाती है तो फिर उसकी वैल्यू तो बढ़ी जाती है। तो स्टैंडर्ड में देखो ये वाली, अब एक बात बता दो, ये आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील, ये सारे आफ्टर मार्केट होते हैं,
कंपनी तो बनाती नहीं है, स्टीयरिंग देती है। तो ये लो एक और आ जाओ, ये मर्सिडीज अलॉय के साथ, ये 2019 मॉडल है। इसकी प्रोफाइल आप चेक करो, इस गाड़ी की डिमांड जो है डेढ़ बारह आस्किंग है, 1,75,000 में। अगर हम लोग कट शॉर्ट प्राइस आपको 1,65,000 प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जो आप बता रहे हो जैसे ये वाली सील रिम आते हैं ना, हाँ ये वाला सील रिम आता है, ये भी 19 मॉडल है, ये सील रिम के साथ है, उसकी डिमांड 1,70,000। अब जैसे अगर हम फाइनेंस का पूछ रहे हैं, अगर इनके ऊपर जैसे 14 पे भी अगर हमें फाइनेंस कराना है, देखो स्टैंडर्ड अगर आप फाइनेंस, हाँ 14 मॉडल पॉसिबल है, बट इसमें डाउन पेमेंट हमारी रहेगी 45 के आसपास, आप कोई भी स्टैंडर्ड फाइनेंस करा सकते हो। तो चाहे 19 ले लो चाहे 14 ले लो, 45,000 हो जाएगी, 5,000 या 50,000 के आप मान के चलो, कि आप लाने पड़ेंगे पैसे, रेस्ट आप पर लोन करा देंगे विद गुड सिविल स्कोर। जी गुड सिविल, ठीक है जी। अब हमारे पास स्टैंडर्ड, फिर अपने पास तो ऑप्शन काफी सारे रखे हैं, बड़े सारे रखे हैं ऑप्शन जो है। ये 2021 मॉडल है और इसकी डिमांड में रखे 1,95,000। एक बार आप बाइक चेकआउट करो, थोड़ा क्लोज लुक भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपके साथ ये लगा लो कि उस टाइम ये गाड़ी 1,78,000 की थी 21 में, और आज देखो क्या प्राइस है। कमाल, हम भी मजबूर हैं, हम भी कुछ कर नहीं सकते इसके, बट स्टैंडर्ड के दीवाने तो स्टैंडर्ड के ना, जो कमाल की यार एक ना मतलब कि एक गाड़ी की आप क्लासिक तक कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली मैंने वो कह रहा दिवाली के सीजन में आपको हम लोगों ने ऑफर लगाया, तो ऑफर में पता है स्टैंडर्ड एकदम से कंपनी ने बंद कर दिया, हमारे पास नॉलेज पहुंचने में कम टाइम लगा, तब तक तो मैं सारी बेच चुका था, और हमारे आस पड़ोस में कहीं भी जाओ तो 22 मॉडल उस टाइम 2,20,000 रुपए की डिमांड हो गई। अब जैसे 2022 मॉडल है, पूरी लॉडेड गाड़ी है, जैसे अलॉय भी हमारी 2,20,000 की, मगर प्राइस नेगोशिएबल है, 2,20 की मिल जाएगी 22। अब आ जाओ जी आपके, देखो यहाँ पे पावरफुल मतलब स्टैंडर्ड क्लासिक, ठीक है, और मीटियोर, और जी वो कौन सी है, हंटर, इंटरसेप्टर, मतलब जितने भी बुलेट ने बना दिए ना सब है यहाँ पे, जी सब मिल जाएगा। अब ये लगता है 2020 मॉडल है,696 किलोमीटर चलिए, सिर्फ महीना पुरानी दिसंबर की गाड़ी। कितने पैसे सेव हो जाएंगे हमारे अगर हम ये अभी नहीं लेने जाते तो 2,42,000 रुपए की हमारी, जो की नेगोशिएबल रहेगा। आज बुलेट का ही ताता है यहाँ पे, देखो सब बुलेट की टेस्टिंग कर रहे हैं, उधर देख लो भाई भी टेस्ट ले रहा है, आज बुलेट का ही गेम है, लग रहा है ये देख ऐसा ही कॉन्सेप्ट जमा दिया। किसी को अगर रीसेंट मॉडल बाइक खरीदनी है चाहे कोई भी बाइक हो, तो आप एक बार भूमि मोटर जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रीसेंट मॉडल अवेलेबल रहते हैं फ्रीक्वेंटली। जैसे अब आप किसको देखो, कितनी नई बाइक है यार, ये है KTM की 390 ड्यूक, बिल्कुल नई नई गाड़ी है, 2023 मॉडल गाड़ी है, 2-3 महीने पुरानी गाड़ी है, और इस प्राइस की आस्किंग जो रखी है हमने 3,32,000 रुपए रखी, नई गाड़ी जो है 3,72,000 रुपए की। अच्छा 3,72 की नहीं है, 3,72 की नहीं है। अब अगर आप करीब आओगे तो ये देखो इसके ये ना डिजिटल मतलब आपको पूरा सिस्टम मिलता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा डिजिटल, यहाँ पे इसमें मोड का ऑप्शन भी होता है, सेटिंग भी काफी अच्छी है। अगर मैं इसे एक बार स्टार्ट करके देखना चाहूंगा, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बाइक है, मजेदार बाइक जिसे कहते हैं ना वो है, चेकआउट कर सकते हो, इंजन का साउंड वाउंड भी आप देख ही सकते हो। आप चलते हैं रॉयल एनफील्ड के वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो अभी बाइक इसका थंडरबर्ड का जो मार्केट गिरा हुआ था, और जितना भी 350 एक्स का गिरा था, बटियोर ने उठा के उसको 100% कर दिया, ठीक है, मतलब बटियोर इस टाइम हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है इनका। इसमें कौन कौन से मीटियोर के वैसे वेरिएंट आते हैं, अगर हम देखा जाए बटियोर में आते हैं 350 आता है, ये 350 खड़ा, जी हाँ 350 खड़ा हुआ है। इसके बाद इसमें 3 मॉडल आते हैं, जो आपने देखा पहले फायर बोल था, एक सलार आता है, एक सुपरनोवा आता है, तो ये सुपरनोवा टॉप मॉडल गाड़ी, 2,58,000 भी मिलेंगे। उसके बाद इसमें एक्सेसरी लगी है, लेग गार्ड लगा है, पीछे बैकरेस लगा है, एक ग्लास लगा है। इस गाड़ी की जो आस्किंग हम लोग करते हैं 1,95,000 रुपए 21 मॉडल गाड़ी है, ठीक है। इसमें जो 650 आती है वो होती है क्या हमारे पास, 650 है हमारे पास, एक डील चल रही है, हो सकता है शायद वीडियो का एंड होते होते वो गाड़ी आपको दिखा दे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जी, हमारे पास है ये क्लासिक, ये है क्लासिक 2020 मॉडल है, आस्किंग इसकी 1,85,000 रुपए, और उसके आगे आप देखेंगे 2020 मॉडल है 1,78,000 रुपए, उसके आगे 1,85,000 की डिमांड है। अब बेनली की ये बाइक कितना हमारा सेफ है लेना एज कम्पेयर टू बुलेट, तो बेनली एक अलग से ब्रांड है, ब्रांड जो रॉयल एनफील्ड में नहीं जाना जाता वो बेनली में जा सकता है, ठीक है। और 2021 मॉडल गाड़ी है, और आपके बजट में आएगी गाड़ी की आस्किंग सिर्फ 2020 मॉडल है, इसके आगे 2019 खड़ी है, और वो 2022 खड़ी है। इसके प्राइस की बात की आस्किंग जो है 2,80,000 रुपए है, और ये वाली की जो आस्किंग है 2,72,000 रुपए, उसकी 3,40,000 रुपए, ठीक है। और व्हाट अबाउट दिस, ये 2018 और सिंगल ओनर गाड़ी है, जो इसकी आस्किंग रखी है हमने वो रखी है 1,55,000 रुपए। 1,55,000 रुपए
चलो ठीक है आओ थोड़ी सी और एक बार आपको बुलेट दिखाता हूँ जो यहाँ पे है, मतलब अगर रॉयल एनफील्ड की कोई चीज मिस ना करें हम, इसलिए मैं इसको भी एंटर करना चाहूंगा। ये है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन, हिमालयन भी है यहाँ पे। लो जी बताओ क्या कहते हैं ये हिमालयन इरफान 2021 मॉडल गाड़ी और इसकी जो 2020 मॉडल है सॉरी 26 की, इसकी हमने 2 लाख रुपए रखी है और कम चली गाड़ी, बढ़िया गाड़ी और 50,000 रुपए देकर रेस्ट फाइनेंस, 50,000 रुपए देकर आप कोई भी बुलेट ले सकते हो। अगर आप मान लो ले रहे 16-17 मॉडल 18 मॉडल तो उसमें से डाउन पेमेंट आएगी आपकी 35,000 रुपए। ठीक है जी। अब रॉयल एनफील्ड का और प्रोडक्ट में जैसे ये रॉयल एनफील्ड21 मॉडल है। अच्छा कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। डील क्या दे रहे हैं? इसकी डिमांड में रखी है 1,60,000 रुपए, 50,000 डाउन पेमेंट की भी, 50,000 35,000 रुपए में जाएगी। अच्छा ये 35,000 में, इसलिए मतलब लो चल रही है मार्केट में? नहीं लो मार्केट चल रही है, मॉडल ऊंचा है प्राइस हमने कम। सुनो जावा को लेने के बाद नुकसान तो नहीं है, सच बताना? देखो ऐसा भी कोई नुकसान नहीं है, कंपनी है ना, एग्जिस्ट कर रही है, महिंद्रा का ब्रांड है। कोई अगर आपको बाहर का ब्रांड है कि वो टाटा वाइवा होने वाली कंपनी, नहीं नहीं ऐसा कुछ है, महिंद्रा का ब्रांड है कहां जाएगा टोटल, इसको टेक केयर, जावा को यसडी को महिंद्रा ने बाकायदा इनकी फ्रेंचाइजी खरीद ली, इन कंपनी को टेक ओवर करके अब महिंद्रा बना रहे हैं। फिर तो कुछ नहीं होता अब। ये अगर ये वाला जो सबसे बेस्ट कलर लगता है, ये 21 मॉडल है, ये है आर्मी वाला भाई होता है। ये देख लो आप, ये देख लो यहाँ पे आपको सारी बाइक मिलती हैं। जैसे अब अगर आपको ये लेनी हो, ये मैं जीटी है, 3,10,000 की डिमांड है 2020 मॉडल की। अगर मैं जो लूंगा ना बाइक, मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने शौक पूरा करना ना तो मैं तो रॉयल एनफील्ड लूंगा ही, मैं तो ले चुका हूँ, मैं अब यही लूंगा भाई। यार देखो कितनी सुंदर लग रही है यार ये, एक बंदे के लिए है। तो अगर मान लो जैसे, हाँ यार एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, जैसे अभी उम्र की बात हो रही थी, 20 साल का लड़का है तो फाइनेंस हो जाएगी? देखो सुपर बाइक के लिए, सुपर बाइक के लिए चाहिए होती है 27 और 27 चाहिए होती है। और मिड प्रीमियम जैसे आपको बाइक चाहिए, बुलेट वगैरह चाहिए, या कोई क्लासिक देख रहे हो, कोई डॉमिनर देख रहे हो, कोई ड्यूक देख रहे हो, जिसको आप इंडियन सुपर बाइक कहते हो, उनके लिए एज चाहिए 21 साल। 21 साल प्लस होनी चाहिए, 21 साल प्लस होनी चाहिए अगर आप बड़े लोन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको स्प्लेंडर या छोटे लोन के लिए देख रहे हैं तो एज होनी चाहिए कम से कम 19 साल। कम से कम तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है फाइनेंस का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कुछ स्टूडेंट होते हैं जो भी पढ़ रहे होते हैं, उनके अकाउंट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका फाइनेंस नहीं हो पाता उस केस में फिर क्या करते हैं हम लोग, मेरे ख्याल फैमिली को साथ में स्टूडेंट बेस्ड लोन नहीं पता, क्योंकि इनकम सोर्स नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो मुझे पता लगी, मैंने कहा चलो आपको बताता हूँ। और आज आपको मिलवाता हूँ और बाइकों से। अब बात करेंगे KTM की, तो KTM ऑथराइज मतलब पैसे वाले पिछली बार आपको याद होगा हमने एक गाड़ी दिखाई थी वेस्पा, जब मैंने आपको बोला ना कि यार एक कस्टमर आया थे वेस्पा देखने आए थे, गाड़ी बिकी थी जो डबल कलर की थी, करेक्ट, तो मैं KTM से पहले दिखा था 600 किलोमीटर चली है, मॉड वाली गाड़ी है, 600 किलोमीटर चली है, 600 किलोमीटर 23 मॉडल, टचिंग भी नहीं है, मतलब लाइट देखो, लाइट देखो आगे से देखो अगर आप, और भाई लक्की नंबर देखो यार, VIP नंबर है 7770 777 ले जाओ यार, आधे पैसे तो नंबर भाई जो हमारी आस्किंग है वो तो वैसे 135,000 है, बट देने वाला रेट हमारा ये, अगर आप वीडियो देख के आ रहे हो तो 128,000 की गाड़ी मिल जाएगी आपको, फाइनल 30-35,000 फाइनल। यार एक बार चेकआउट करो दोस्तों, मैं चाहूंगा आप एक बार दोबारा से ना इसको जरा लुक चेकआउट करो, कितनी खूबसूरत है। लास्ट टाइम आपको दिखाई थी हरे कलर की, मतलब वो वीडियो हम लोगों ने जैसे ही डाली उसी टाइम 1 घंटे में वो गाड़ी हमारी बिकी थी, क्योंकि इतना ऊंचा मॉडल इतना कम चला बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन एक नंबर स्कूटी है। अगर गोवा नहीं जा सकते अपने लाइफ में कभी, तो दिल्ली में गोवा के मजे लेने हैं, हाँ, तो स्कूटी भी लो, तो ये ले लो, सब गोवा जा रहा है क्या, गोवा जा रहा है, सही बात। तो ये लो जी KTM के ऑथराइज डीलर है, समझ लो एक तरह से कि भाई KTM का सेकंड हैंड का इतना स्टॉक आपको पूरे दिल्ली NCR में कहीं ना मिला था, ना मिलेगा, ना मिल पाएगा। हाँ
क्योंकि सारी तो यही खड़ी हैं, तो दिक्कत क्या है? अब एक बात बताओ, KTM पे सबसे पहले फाइनेंस स्कीम ही सुन लेते हैं, फिर बाइक KTM में ऐसा फाइनेंस स्कीम, अगर आप छोटे मॉडल पे जाते हैं 15-16 मॉडल पे, तो उसके अंदर कम से कम 35,000 से 40,000 डाउन में आती है। अगर आप ऊंचा मॉडल लेते हैं 20, 21, 22, उसमें आप 30 से 35 हज़ार में गाड़ी तो हम फाइनेंस कर देते हैं, मगर उसमें क्या होता है कि आपकी बैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, सिविल अच्छा होना चाहिए, तो मैं आप लगा लो मिला जुला के 40,000 में आप कोई भी KTM ले सकते हैं। फिर भी मैं ये कहने के चलूंगा कि आप 50,000 रुपए अपनी जेब में लेके चलो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ और अपनी मतलब मन पसंद बाइक ले जाओ। मेरे को लगता है हाईएस्ट जो डाउन पेमेंट रहेगी इस सेगमेंट की 50,000 ही। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई भी गाड़ी ले, कितनी भी ड्रीम गाड़ी लो, हाईएस्ट सेगमेंट की डाउन पेमेंट है वो 50,000। अब जैसे एक BMW भी है यहाँ पे, सबसे पहले आपको एक BMW दिखाते हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट खड़ा हुआ, ये 2002 गाड़ी है, 2,70,000 के आसपास है। अगर आपको भाई कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट चाहिए, मतलब कैफे रेसर बाइक चाहिए जो मतलब आप दुनिया से हटके लगे, तो एक बार इधर से प्रोफाइल देख लो, ये विद प्लेन है, हर स्क्वायर में ये डिजाइनर को तालियां है भाई, जिसने ये बाइक डिजाइन करी है ना, वाह वाकई, ये विद प्लेन है, 2021 मॉडल है, डिमांड 1,00,000, ये बेस्ट है, नई गाड़ी 2-2.5 के आसपास है मेरे ख्याल से। जो लोग ये कहते हैं ये तो हमने कंपनी का नाम नहीं सुना, इसकी सर्विस काम कराई है, ये बजाज का, बजाज की को लैंडिंग कंपनी है और बजाज ही इसको फाउंड करता है, बजाज बहुत बजाज के शोरूम पे इसकी सर्विस होती है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से शोरूम बुला हुआ है, KTM को भी बजाज देखता है, इसको भी बजाज देखता है, इवन निंजा को भी बजाज ही देखता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आइए अब उधर चलते हैं, KTM दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वाली KTM, तो शुरुआत करते हैं दिल्ली नंबर KTM से, जो कि है ये है RC 290 2019 मॉडल है और 1,85,000 रुपए की, ठीक है, और इसके आगे ये जिक्सर आ जाती है, 1,65,000 रुपए की गाड़ी है, इसके बाद आ जाती है 390 ड्यूक, बहुत क्लीन गाड़ी है, 2019 मॉडल है, 2,35,000 रुपए की है, फिर 21 मॉडल आ जाती है गाड़ी, 2,35,000 रुपए की, 250 cc में, फिर इसके बाद 200 cc में आया, 1,85,000 रुपए की है, फिर 200 cc में 17 मॉडल आया थी जो कि 1,45,000 रुपए की है, फिर ये 2020 मॉडल आया थी जो कि 2,00,000 रुपए की रेंज में, के बाद 2021 मॉडल आया थी, ये टॉप मॉडल है, 1,12,000 में मिलेगा, कोई भी गाइस बोले, हाँ उसके साथ में सौरभ जोशी जी खड़े हैं, दोनों साथ साथ घूमते तो साथ साथ बहुत स्टाइल यार इनका, वो जो अगला है ना वो नुक्कर पर 2021 मॉडल है, 2,00,000 वो देखो ये, ठीक है अगली है, ये 2018 मॉडल है, अक्रीले का टायर लगे इसमें, लो प्रोफाइल टायर लगवाए बंदे ने 14,000 रुपए के, और ये गाड़ी जो है 2018 मॉडल सेकंड ओनर गाड़ी है, डिमांड 1,75,000 रुपए की, डोमिनार 2020 मॉडल है, सिर्फ 1,45,000 रुपए की, UP 14 2017 मॉडल है, RC 200 और इसकी डिमांड रखी 1,45,000 रुपए, अगेन 200 cc है और इसकी डिमांड रखी है हमने 1,55,000 रुपए, अगेन एक और खड़ी है 2020 मॉडल है, 1,65,000 रुपए, उसके बाद एक और जो खड़ी है 2021 मॉडल है, 2,55,000 रुपए, और ये वाली फिर 2020 390 खड़ी है, 2017 मॉडल है, थर्ड ओनर है इसलिए इसकी डिमांड हमने बहुत कम रखी है, सिर्फ मात्र मिल जाएगी 1,25,000 रुपए की। अब वो जो नई है बिल्कुल नई, वो न्यू शेप में 2022 मॉडल है, उसकी डिमांड रखी है 1,85,000 रुपए, ये मिल जाएगी आपको 1,65,000 आपको मिल जाएगी, आपको ये गाड़ी 390 है 1,35,000 रुपए की, और इसके बाद ये मिल जाएगी आपको 2,30,000 रुपए की नेक्स्ट, और ये वाली मिल जाएगी आपको 1,70,000 की 20 मॉडल है नेक्स्ट, उसके बाद ये 21 मॉडल है, डिमांड इसके में रखी है 1,65,000 रुपए नेक्स्ट, 125 है 1,55,000 रुपए की नेक्स्ट, और RC 215 मॉडल है, मिल जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 रुपए की नेक्स्ट, अगली मिल जाएगी आपको 1,55,000 रुपए की, ये Apache 310R मेरे पास दो मॉडल खड़े हैं, दोनों 1919 मॉडल है और दोनों के एक्सेस हमने रखी है 1,65,000 रुपए, ठीक है। तो मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे है, इसे अब ये मैट ब्लैक में अगर किसी को चाहिए तो ये लो जी, ये 2021 मॉडल है, 2021 है, 2021 मॉडल है, डिमांड 1,85,000 रुपए है, ये 2020 मॉडल है, डिमांड इसकी 1,72,000 रुपए, उसके बाद 23 मॉडल है, डिमांड इसके हमें रखी है 2,20,000 रुपए, और उसके बाद हमारे पास ये खड़ी है KTM 250 cc में, डिमांड 1,50,000 रुपए, और नई शेप की और भी दिखाता हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये 2022 ही है, डिमांड इसके हमने 2,00,000 रुपए 250 cc भाई भाई, बिल्कुल आज के रेट थोड़े से ना ऊपर लेवल के थे, लेकिन इस बार अगर आए ना ब्रांड में आ जाए, ब्रांडेड चीज़ें हैं इसीलिए थोड़े एक ऊपर रेट गए हैं, और एक बाइक भी कमाल की है, एक ड्रीम बाइक है, हर कोई एक हर एक का सपना होता है कि भाई ऐसी बाइक हो एक बार
रोड खाली और लंबी है, ऐसे बंदा ना झूले उसको। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, आप 170-180 यहाँ पर ही उन्होंने रेट रखे हैं ज़्यादातर बाइक्स के, वो ज़्यादा हैवी होती हैं वो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर लोकल जो बाइक है ना वो 150,000-170,000 में मिल रही है, इतने की नहीं मिल रही है। लेकिन उससे आगे वाला जो चले जाए तो वो 2,00,000 के नज़दीक बाइक्स हैं जो आपके पास हैं, ये एक और चीज़ मतलब आपको लोकल वो इधर जो चलती हैं इतने की मिलती है, लेकिन वो ब्रांडेड चीज़ें हैं यार, इतनी खूबसूरत बाइक यार। जिस तरह के टी एम है ना, इस टाइप के जो बाइक है ना, वो एक दफ़ा सुबह सुबह जाना पड़ा किसी अदर सिटी में, तो रस्ते में ये जो हमारे सिटी के अमीर तरीन लोग हैं ना, उन्होंने इस तरह के बाइक, वो इधर हैवी बाइक बोलते हैं कि हम जो है ना वो हमारे पास हैवी बाइक है, और वो उनकी बड़ी शोशा होती है। वो सुबह निकलते हैं कोई ग्रुपों में बस 20-25 तो उस जो है ना वो एक जगह उनके स्टाफ था, वहाँ पे मैंने लड़के से पूछा था कि भाई ये कितने की आपको बाइक मिलती है, तो वो 15-20 लाख मुझे कह रहा था कि 15-20 लाख तक हम जो है ना वो परचेज के, कोई 25 तक भी पहुँच जाती। सेम टू सेम यार, सेम टू सेम यही चीज़ जो KTM में है। लेकिन देख लो कि वहाँ पे क्या एक हशर नशर हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ भाई आ जाए ना आप रॉयल इनफील्ड के ऊपर, यकीन करो एक स्टैंडर्ड है, बंदा बैठ जाए ना एक पता चलता है कि किसी चीज के ऊपर बैठा हुआ है। नहीं हमने तो ज्यादातर एक रॉयल इनफील्ड को भाई देखा था, वो जो आर्मी वाले ना इधर लद्दाख वाली साइड, वो सारे ऐसे बैठ कर ना मतलब के सामान लेकर आते थे चलते चलते, या उन्होंने मतलब के जब राइड करते थे तो पता चलता था कि भाई कोई बाइक जा रही है। एक जो ज्यादातर होते ना जो बाइक लवर, वो एक आवाज को कैच करते हैं, आवाज में वो हर चीज मतलब के नाप तोल लेते हैं कि एक आवाज में क्या क्या, इसका इंजन क्या क्या मतलब के सीन है, इसकी एक चलने क्या क्या स्टाइल है, वो बाइक्स लवर काफी होते हैं। लेकिन ज्यादातर भाई हम तो इसलिए वीडियो देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा रेट का पता चल जाता है, क्योंकि इधर नॉर्मल हमने ये रोडों पर नहीं देखे होते जो अभी इधर। तो भाई एक आप इंडिया के रोड पर आपने किसी का व्लॉग देखा हो या वीडियो वगैरह देखी हो तो आपको एक 2 या मतलब के 30 बंदे के बाद चौथा जरूर मिलेगा जो रॉयल इनफील्ड या KTM पर चलता होगा या मतलब के राइड करता होगा। लेकिन भाई इधर कोई सीन नहीं है, इधर तो बेचारे कोई बंदा हो मतलब के एक चांद बंदा हो कोई ले ले मतलब के सुपर बाइक या एक स्पोर्ट वाली बाइक, तो उसमें एक डिजाइनिंग का मसला आ जाता है क्योंकि ज्यादातर पार्ट्स ये लेते हैं एक इंपोर्ट करते हैं, तो ज्यादा एक महंगे पार्ट भी नहीं लेते, वो ही थोड़ा सा स्टाइल नीचे ऊपर कार करना उसको सुपर बाइक बना देते हैं। लेकिन जब वो कहता मैंने देखे तो मैं तो पागल हो गया कि यार इतने सस्ते बाइक है वहां पे, कह रहा है मैंने सारी वर्किंग कम्प्लीट कर रही थी, लेकिन एंड पे आके मेरे साथ जो मसला बना था वो ये था कि इनके पार्ट्स इधर नहीं है। अगर हम पाकिस्तान वाले चाइना से भी पार्ट्स मंगाते हैं ना बाइक के, उसमें इंडिया के जो बाइक है ना उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि इंडिया के अंदर जो बाइक बन रहे हैं ना उनके पार्ट्स जो है ना वो सिर्फ आपको इंडिया से ही मिलेंगे, चाइना वाले भी नहीं बनाते क्योंकि वो मेड इन इंडिया, इसलिए जो है ना वो वहाँ से फिर आप देखो ना कि वो पार्ट्स अगर होंगे इधर तो फिर बाइक लानी जो है ना वो आसान हो जाती है। हाँ, इसलिए वो कहता है कि मेरा जो सौदा है, या मतलब मैंने आगे फिर वो प्रोसेस नहीं कंप्लीट किया भाई आगे लेके आने का फायदा। आप ज्यादातर आप एक मतलब के देखे ना एक जो एक इंडिया में बाइक मतलब के सस्ते भी है लेकिन लोग उधर वो स्कूटी को यूज ज्यादा करते हैं, उसका ज्यादा जो खड़ी मुझे तो लगता है कि एक ट्रैफिक की वजह से होता होगा या कोई और उसका सीन, उसमें जरूर कोई ना कोई क्वालिटी है, क्योंकि इधर भाई एक पाकिस्तान में तो वो स्कूटी हमें नजर आ जाए ना रोड पर हमारी हंसी आ जाती है कि ये बंदा क्या लेकर घूम रहा है, ना इस पर 2 सवारियां बैठ सकती है ना 3 बैठ सकती है, लेकिन इंडिया में हर बंदे के पास है बिल्कुल, वो उसका पता नहीं क्या राज है उसमें छुपा हुआ यार, वो यार आसान है ना ऐसे अपना सुकून से चलते, और ज्यादा इलेक्ट्रिक आ गए और इसका और फायदा हो जाता है तो भाई बहुत स्पीड। लेकिन यार बेस्ट वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, अगर पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।